नहीं बनता। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड मैंने जितना बताया तुमसे बनता है कि नहीं बनता, हाँ या ना? ईशा से बनता है, बाकी आदित्य से बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं बेटा अपना तीसरा मेथड, और इस मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड। आज की क्लास में हम लोग, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, आज की क्लास में हम लोग तीसरा मेथड कर रहे हैं नेशनल इनकम का, और इसके बाद नेशनल इनकम चैप्टर आपका खत्म हो गया। वैल्यू एडेड मेथड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड क्या सिखाता है, क्या समझाता है आपको, मैं लॉजिक के साथ समझा दे रहा हूं ताकि आपके मन में डाउट ना आए किसी भी तरह का। वैल्यू एडेड का मतलब बेसिकली होता है वैल्यू एडिशन मेड बाय फर्म ऑब्लिक इंडस्ट्री इन एन इकोनॉमी फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विस। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है जब आप एक फर्म चलाते हो या एक इंडस्ट्री चलाते हो, तो किसी भी गुड्स को बनाकर आपका जो इकोनॉमी या देश में कंट्रीब्यूशन होता है उसे वैल्यू एडिशन कहते हैं। जैसे आपको कुछ नहीं समझ आया होगा, मेरे को अभी भी पता है, अब आप ऐसे समझना, इससे आपको ये चीज क्लैरिटी से समझ आएगी। सपोज करो आदित्य जो है एक फार्मर है, इसने वीट प्रोड्यूस किया, वीट इसने बनाया 500 रुपए में, ठीक है। फिर आदित्य ने इस 500 रुपए के वीट को बेच दिया रक्षिता को, रक्षिता की एक आटे की मिल है, फ्लोर मिल है, रक्षिता ने इससे फ्लोर बनाया, आटा बनाया, और रक्षिता इसको मार्केट में बेचती है 1200 में। रक्षिता ये सारा फ्लोर बेचती है आयुषी को, आयुषी एक मार्केटिंग एजेंसी है जो इस पूरे फ्लोर की पैकेजिंग करती है अन्नपूर्णा आटा के नाम से, और ये इस फ्लोर को पैक करती है इस ब्रांड में और मार्केट में बेचती है 1800 रुपए में। तो अब मेरा सवाल आपसे जो है यहां पर वो ये है कि हमारे आदित्य ने, ठीक है, हमारे देश की इकोनॉमी में कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, कितने रुपए की आदित्य की कमाई है, चलो यहां बताओ आदित्य की कमाई कितने रुपए की है। तो आदित्य की तरफ से जो वैल्यू एडेड या वैल्यू एडिशन आया हमारी इकोनॉमी, जो वैल्यू एडिशन आया वो आया 500 रुपए का। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल, रक्षिता की क्या कमाई है, रक्षिता ने कितना अमाउंट ऐड किया हमारी इकोनॉमी में, चलो बताओ। अब 700 क्यों बोल रहे हो, रीजन बताओ मेरे को, चलो 700 क्यों बोल रहे हो, रीजन बताओ। रक्षिता का आप वैल्यू एडिशन 700 क्यों बोल रहे हो, आप ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि इसने बेचा मार्केट में 1200 का भले, लेकिन 500 में खरीदा भी था, सही बात है, हाँ या ना? तो इसकी तरफ से जो इसकी नेट कमाई है वो 700 रुपए की। अब बताओ आयुषी का क्या है, आयुषी का कंट्रीब्यूशन क्या है, आयुषी का कंट्रीब्यूशन क्या है, 600। कैसे निकाले आप, आयुषी ने दिया 1200 में, बेचा 1800 में, तो इकोनॉमी में जो आयुषी का कंट्रीब्यूशन है वो 600 का है, आयुषी का वैल्यू एडिशन 600 का है। तो मैं बोलता हूं मेरे सामने तीन बिजनेसमैन है, आदित्य, रक्षिता, आयुषी, इनका देश में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो 500
700 प्लस 600 का है और ये देश की तरक्की में भागीदारी कर रहे हैं। नाउ दिस इज नोन एज योर ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है देश में एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहां पर ये जो आपने निकाला 1800 रुपए, ये आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड है और इसी को हम लोग बोलते हैं GDPMP, देश में इतना प्रोडक्शन हो रहा है। तो वैल्यू एडेड मेथड आपको बस यही सिखाता है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज या अलग अलग फर्म्स जो होते हैं एक्चुअल में इकोनॉमी में कितना वैल्यू एड कर रहे हैं, क्या कमाई करके दे रहे। अब आप बताओ, आपको ये वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अब इसको मैं आपको देखो अरेंज वे में करके देता हूं ताकि ना आपका एकदम दिमाग में बैठ जाए और आपके मन में कोई डाउट ना है। जैसे अब मेरे को इसी का कैलकुलेशन दिखाना था, या मैं वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहा हूं, तो देखो क्या कैलकुलेशन बन रहा है। यहाँ पे तीन लोगों का, एक का नाम है आदित्य, देखो प्रेजेंटेशन कैसा है। आदित्य का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है GVA है, मार्केट वैल्यू है MP, वो कितना है 500 का। उसके बाद रक्षिता का कितना है, GVA मतलब होता ग्रॉस वैल्यू एडेड, टोटल क्या इकोनॉमी में तुम वैल्यू ऐड कर रहे हो एट मार्केट प्राइस। रक्षिता का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP कितना है 700। और यहाँ पे आयुषी का कितना है GVAMP 600। तो वैल्यू एडिशन को हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आदित्य फार्मर है तो किस इंडस्ट्री में आ रहा है? अगर आदित्य फार्मर है तो किस इंडस्ट्री में आ रहा है, कौन सी इंडस्ट्री में आ रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी? आप बताओ। बट ऑब्वियस आदित्य आ रहा है प्राइमरी इंडस्ट्री में, तो हमारे देश से प्राइमरी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 500 का, रक्षिता फ्लोर मिल चलाती है तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ रही है, इसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है 700 का, और आयुषी क्या करती है, मार्केटिंग पैकेजिंग का काम करती है, तो ये टर्शरी इंडस्ट्री में आ रही है, इसकी तरफ से हमारे देश में एडिशन है 600 का। तो हमारे देश का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, टोटल वैल्यू एडिशन है फ्रॉम ऑल सेक्टर्स, फ्रॉम ऑल सेक्टर्स, वो है यहां पर 1800 रुपए। अब बेटा आपको बस इतना ही इसमें कैलकुलेट करना होता है, यही सारा खेल है, इतना ही इसमें आपको कैलकुलेट करना होता है, आपको GVAMP निकालना होता है, आपको GVAMP निकालना होता है। तो अब मैं इसका पूरा आपको फॉर्मूला लिख के अच्छे से सिखा दे रहा हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से ये चीज पता रहे। इतना आप नोटिंग कर दो बेटा, एक बार इतना आप नोटिंग कर दो। तो वैल्यू एडिशन मतलब होता है इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन करेंगे उसे आने वाली वैल्यू वैल्यू एडिशन कहलाती है। स्क्रीनशॉट दे दो, इतना आपके पास लिखा होना चाहिए बेटा, एटलीस्ट ये आप लोग के पास लिखा होना चाहिए। और बहुत लॉजिक से और ध्यान से समझना, बन जाएगा आपसे, कुछ नहीं है इसमें। तीन सेक्टर के लोगों ने इतना कंट्रीब्यूट किया, ये ऐसे ही निकाला जाता है, ये वैल्यू एडिड मेथड। अब इसमें क्या होता है, वैल्यू एडिड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आपको मैं फॉर्मूला और कंसेप्ट दोनों बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं। तो कभी भी जैसे आपको क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन निकालना हो या वैल्यू एडेड निकालना हो, मतलब इकोनॉमी में आपने क्या वैल्यू एड करी, तो इसको हम लोग GVAMP से डिनोट करते हैं। पहले याद रखना, हम लोग इसको डिनोट करते हैं GVAMP से, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये फॉर्मूला है वैल्यू एडेड निकालने का, फट 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 एकदम आराम से समझना। जैसे यहां पर ये जो शब्द दिया है आपके लिए, समझो आपको जो दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसका मतलब होता है टोटल सेल्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब होता है टोटल सेल्स, कितने में आपने बेचा। कितने में आपने बेचा, ठीक है, ठीक
कितने में आपने बेचा टोटल सेल्स। अब यहाँ टोटल सेल्स का मतलब मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, टोटल सेल का मतलब देश के अंदर जो बेच रहे हो, डोमेस्टिक सेल्स एंड इंपोर्ट दोनों आ जाता है। अरे यार सॉरी सॉरी मेरी गलती, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों आ जाते। जब भी आप टोटल सेल्स की बात करते हो ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितना सामान आपने बेचा, तो इसमें दोनों तरह की सेल आ जाती है, देश के अंदर जितना बेच रहे हो, देश के बाहर जितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, दोनों इसमें इंक्लूड रहता है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल दे देता है, कई बार क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल दे देता है, तो आपको क्या होता है, टोटल सेल निकालने के लिए इसमें एक्सपोर्ट को अलग से जोड़ना पड़ता है। ऐसे तरह को वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स, जितने का सामान बिका, तो इसमें डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट इंक्लूड होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमको खाली डोमेस्टिक सेल दिया है तो एक्सपोर्ट जोड़ोगे तो टोटल सेल आएगी, टोटल सेल मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर, ईमानदारी से बोलो। आ गया आगे, कई बार क्या होता है, बिजनेसमैन ना माल खूब सारा बना देता है लेकिन साल में बेच नहीं पाता है। तो अगर साल भर में आपका सामान नहीं बिका तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का एक फॉर्मूला और है, ये साथ साथ नोटिंग करो, और एक क्वेश्चन में दिया रहता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जितना भी आपका सेल्स हुआ है उसमें आपको चेंज इन स्टॉक को प्लस करना होता है, चेंज इन स्टॉक को प्लस करना होता है, या चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कई बार ना साल भर में माल नहीं बिकता है, तो क्वेश्चन में दिया रहता है चेंज इन स्टॉक, तो उसको सेल्स में चुपचाप ऐड कर देना, सेल्स में चुपचाप ऐड कर देना। ठीक, टोटल सेल दिया बहुत अच्छा, चेंज इन स्टॉक भी क्वेश्चन में दिया, चेंज इन स्टॉक ऐड कर देना। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली सेल्स नहीं दिया रहता तो आपको क्या करना होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल निकालनी पड़ती है, क्वांटिटी दिया रहता है सामान की और उसका प्राइस दिया रहता है। जैसे 500 पीस है, 10 रुपए रेट है, तो कितने में बिका, 5000 रुपए, और इसमें ऐड करना होता है चेंज इन स्टॉक। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है, देख लो और लिख लो, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितने में सामान बेचा आपने, टोटल सेल्स, ठीक है, कितने में आपने सामान बेचा। ठीक, डोमेस्टिक कई बार क्या होता है, एक्सपोर्ट इसमें इंक्लूडेड रहता है, अगर नहीं दिया डोमेस्टिक सेल दिया तो एक्सपोर्ट जोड़ देना। कई बार चेंज इन स्टॉक दिया रहता है तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और कई बार क्या, डायरेक्ट सेल्स नहीं दिया रहता, सामान की क्वांटिटी और प्राइस दी रहती है, तो मल्टीप्लाई करो आपकी सेल्स आ जाएगी, इसमें चेंज इन स्टॉक प्लस कर देना। इतने तरीके वैल्यू ऑफ आउटपुट के। फिर बोलू कि समझ आ गया, फिर बोलू कि ये चीज समझ आ गई है, बोलू क्या आपको ये समझ आ गया कि फिर बोलना पड़ेगा। अब जब आप यहां पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हो तो इसका मतलब होता है आपकी टोटल परचेज, आपने कितना खरीदा, बेचा माइनस खरीदा, यही वैल्यू एडेड होता है, टोटल परचेज। टोटल परचेज का मतलब होता है डोमेस्टिक परचेज, डोमेस्टिक परचेज एंड इंपोर्ट दोनों इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। सामान इंपोर्ट भी कर रहे हो तो मतलब खरीद ही रहे हो, तो टोटल परचेज या परचेज बस दिखाओ तो इसमें डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट इंक्लूडेड है, इंपोर्ट को अलग से मत जोड़ देना। अगर जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, परचेज दिया है और नीचे इंपोर्ट दिखा है, तो इंपोर्ट को ऐड मत करना, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पे एंड वर्ड से अच्छा मैं तुम लोग के लिए ना ये लिख देता हूँ यार, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट लिख देता हूँ, इसे अच्छे से याद रहेगा, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंक्लूड रहता है, नहीं दिया रहेगा ना, अगर डोमेस्टिक सेल दिया रहेगा तो एक्सपोर्ट अलग से जोड़ना। सिमिलरली यहाँ पे डोमेस्टिक परचेज में साथ साथ इम्पोर्ट जुड़ा रहता है, इंक्लूडिंग इम्पोर्ट। अगर अलग से क्वेश्चन में डोमेस्टिक परचेज दे दिया है तुमको,
लिखा है क्वेश्चन में डोमेस्टिक परचेज, तो तुम्हें टोटल परचेज निकालना पड़ेगा। टोटल परचेज के लिए तुम इसमें इंपोर्ट को जोड़ना अलग से, टोटल परचेज के लिए इंपोर्ट को अलग से जोड़ना। ठीक, यहां पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये जो वर्ड है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये उन गुड्स के लिए यूज होता है जो गुड्स या तो रीसेल पर्पस के लिए लाए गए, मतलब आगे बेचने के लिए, या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए लाए गए, मतलब आगे इसे कुछ बनेगा। और जैसे आप शक्कर लाए हो मिठाई की दुकान में, तो इंटरमीडिएट गुड्स है, तो मिठाई की कॉस्ट में शक्कर की कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, इसे कई बार सिंगल यूज ड्यूरेबल भी बोलते हैं, सिंगल यूज ड्यूरेबल, एक बार इस्तेमाल करो खत्म हो जाए, ये माइनस होता है। तो बस इतना ही है वैल्यू एडेड, जीवीएमपी निकालना है, फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। साधारण भाषा में वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब परचेज होता है, सेल माइनस परचेज करने से वैल्यू एडेड आता है। ऊपर भी तो यही करे ना भाई, सेल 1200 का, परचेज 500 का हुआ, तो ये इंटरमीडिएट परचेज थी, इसको माइनस कर दिए, तो यही तो यहां भी कर रहे हो। ठीक है, समझ आ गया कंसेप्ट कि नहीं है ये बताओ, कि गया? ईमानदारी से बोलो सब लोग, समझ आया कि नहीं है? सभी लोग हैंड रेस करके बताओ भाई। नीचे कुछ चीजों का हिंट, डेप्रिसिएशन, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, याद रखना ये वर्ड, याद रखना, डेप्रिसिएशन को रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। कई बार अगर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में ना दिया हो तो आपको क्या करना होगा, एसेट की वैल्यू दी रहेगी और उसकी कॉस्ट निकालना होगा। अभी क्वेश्चन बनवाऊंगा तो बन जाएगा, दिक्कत नहीं जाएगी। चलो क्वेश्चन बनाए क्या अपन, सीधे क्वेश्चन बनाना शुरू करें अब इसका। हाँ या ना, ये सबके पास नोटिंग हो गया कि नहीं हो गया ये बताओ। चलो क्वेश्चन बनाते हैं, आपको मैं लिख के दे रहा हूं क्वेश्चन। कैलकुलेट वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी। वैल्यू एडेड निकालना है फर्म ए का, फर्म बी का, फर्म सी का। आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया है ये देख लो, सेल बाय फर्म ए 80,000, परचेज बाय फर्म ए 30,000, सेल बाय फर्म बी 40,000, चेंज इन स्टॉक फर्म ए 10,000, फर्म बी 20,000, फर्म सी 30,000। पूरा क्वेश्चन दे देते हैं फिर बनाओ। ठीक है, सेल बाय फर्म सी 60,000, परचेज बाय फर्म बी 20,000, फर्म सी 30,000। अब ये क्वेश्चन दिया है आपको, देखो तीन फर्म है, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी। फर्म ए की सेल कितने की है, 80,000 की, उसकी परचेज कितने की है, 30,000 की।
ठीक है। अब आप ये बना पाओगे कि मैं बना के दिखाऊंगी, ये बताओ, आप ये बना पाओगे कि मैं बना के दिखाऊंगी? हेलो, हाँ अर्शद, हाँ बेटा, चलो मैं बना के दिखाता हूं तुम लोग को, तुम लोग भी देखो, बहुत आसान है बनाना। पहले क्या है, जीवीए निकालेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फर्म ए का निकालते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, फर्म ए की सेल्स कितनी है, 80,000 की। अच्छा, उसका चेंज इन स्टॉक कितने का है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो चेंज इन स्टॉक भी दो, 10,000 का। माइनस उसकी परचेज कितने की है, 30,000 की। तो जो फर्म ग्रॉस वैल्यू एडेड फर्म ए का है वो 60,000 रुपए, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो फर्म ए का है वो 60,000 रुपए, ठीक है। कैसे निकाले सर, जब मैं सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक जोड़ा तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, फॉर्मूला तो यही है ना, और जो परचेज है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो बस यही करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीवीए एमपी फर्म बी का निकालो, निकाल पाओगे हाँ या ना? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, फर्म बी की सेल 40,000 की है, उसका चेंजिंग स्टॉक 20,000 का है, ठीक है, माइनस कंजम्पशन कितने का कर रहे हैं, 20 का, तो इनका ग्रॉस वैल्यू एडेड 40,000 का आ रहा है, 40,000 का आ रहा है, 40,000 भाई, 40,000 का आ रहा है, 40,000 का, ठीक है। अब ये चेंज इन स्टॉक फॉर्म सी का 30,000 का था ना बेटा, याद रखना। अब मैं निकालता हूं जीवीएमपी फॉर्म सी का, तो अगेन वही करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या क्या है इसकी, 60,000 का सामान बेचा जिसका स्टॉक बदला 30,000 का, माइनस परचेज कितने का किया, 30,000 का, 60,000 रुपए इसका जीवीएमपी आ गया। तो अब हमारी इकोनॉमी में ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है तीनों फर्म का, जीवीएमपी क्या है, फर्म ए का 60,000, फर्म बी का 40,000, फर्म सी का 60,000। तो हमारी इकोनॉमी में तीनों फर्म का जो कंट्रीब्यूशन है, जीवीए एमपी जो तीनों सेक्टर का मिलाकर या तीनों फर्म का मिलाकर है, वो 1,60,000 का, 1,60,000 का है। तो ये जो जीवीए एमपी आया, यही आपकी देश की जीडीपी एमपी है, यही देश की जीडीपी एमपी है, 1,60,000, ये आपकी डोमेस्टिक इनकम है देश की जीडीपी एमपी। अब इसी से नेशनल इनकम निकालना रहेगा, आगे कोई क्वेश्चन आया, ठीक है। आप बताओ आपको निकालते बना कि नहीं, समझ आया कि नहीं आया, कि गया ये, कैलकुलेट करते बना कि नहीं बना? लो अब बुक क्वेश्चन देते हैं, ये वाला क्वेश्चन देते हैं अपने को जो सामने दिख रहा है, सॉल्यूशन क्यों देखें,
ये भाई क्वेश्चन क्या निकालने बोल रहा है उस पर बात कर देते हैं। इसमें हमको बोल रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालो, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म है, फर्म भी फटाफट निकाल के बताओ कितना आ रहा है। फर्म ए और फर्म बी का वैल्यू एडेड बोल रहा है कितना कितना आ रहा है बोलो। यहां निकालो जीवीए एमपी किसका, फर्म ए का। कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट की वैल्यू क्या है भाई, डोमेस्टिक सेल दिया है तो एक्सपोर्ट को अलग से जोड़ना 5,000 माइनस परचेज कितने की किया था 200 की, तो 4,800 भैया, 4,800 आपका क्या आ गया, जीवी और फर्म है। फर्म बी का निकालो क्या आ रहा है बताओ, फर्म बी का क्या आ रहा है भाई साहब, ने सेल करी 2940 की और परचेज करी 1300 की, तो इनकी तरफ से जो वैल्यू एडिशन है कितना हो रहा है 1640 का हो। कैसा लगा तुम लोग को बना के ये बताओ, ठीक। टोटल नहीं करना बेटा, जितना मांगा उतना ही करेंगे, जितना क्वेश्चन बोल रहा है ना अपन उतना ही करेंगे। ये चेक भी कर दो आंसर तुम्हारा वही आया है, ये तुम्हारा भी यही आया 4800 और तुम्हारा भी वही आया 1640, यही आया। बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, मैं बना के दिखा रहा हूं ध्यान से देखो। फ्रॉम द, जूम करूं कि दिख जा रहा है ये बताओ पहले, जूम करूं कि दिख जा रहा है, जूम करूं कि दिख रहा है ये बताओ पहले, दिख रहा है ना भाई। देखो यहां मांग क्या रहा है क्वेश्चन में, फर्म एक्स का डिटेल दे दिया है तुमको, ग्रॉस वैल्यू एडेड नहीं निकालने बोल रहा है, नेट वैल्यू एडेड निकालने बोल रहा है एट मार्केट प्राइस, नेट वैल्यू एडेड निकालने बोल रहा है। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या किया जाता है बच्चों बताओ, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या किया जाता है, बस सीख गया तो दिखा दे रहा हूं, सिखा दे रहा हूं, आप अपना शांति से निकालो। इसका जीवी एमपी भाई सेल्स दिया है 90 का, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया तो लेते जाओ, 90 की सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करने से चेंज इन स्टॉक आएगा, चेंज स्टॉक 10 का है। उसके अलावा मेरे को क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अरे बंद कर दे वीडियो, डेप्रिसिएशन इंटरमीडिएट कंजम्पशन इनडायरेक्ट टैक्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल रेंट। भाई जब डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया है मेरे को, जब डायरेक्ट मेरे को इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया है तो मैं क्यों फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को लूंगा। तो मेरे को सेल्स दिया हुआ है 90 का, मेरा चेंज इन स्टॉक आ रहा है कितना 10 का। कैसे आया सर चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करने से मेरा 10 आ गया सर। अब इसमें मैं सीधे क्या करूंगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40 का माइनस कर दूंगा, तो मेरा जो जीवी एमपी है मेरा जो जीवी एमपी है 60 का, ये मेरा जीवी एमपी, ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर, आप ना एनवी एएमपी निकाल के बताओ, अरे बोला है तो निकालेंगे, कोई बात है क्या, बोला ना जीवी एएमपी से एनवी एएमपी निकाल के बताओ। तो इसमें भाई ग्रॉस से नेट बस जाना है मेरे को, बाकी तो सब वही है, तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20 का दिया हुआ है, तो मेरा नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ जाएगा 40। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई भाई, जब तुमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन सीधे दे दिया तो परचेज देने की जरूरत नहीं है ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब ही तो परचेज होता है, इंक्लूडेड हो गई बात उसमें। अब बताओ ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, बना कि नहीं बना, हाँ या ना ये बताओ, ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना, सब लोग से हैंड रेस करके बताओ। मैं अगले 3 दिन में करीबन तुम्हारे साथ 80 क्वेश्चन बनाऊंगा, 3 दिन में 80 क्वेश्चन बनाने वाला हूं मैं तुम लोग के साथ, पूरा नेशनल इनकम खत्म करके अपन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पे आएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्लास क्लोज करेंगे आज की।
भाई क्या बोल रहा है, जीवी एट एफसी निकालने बोल रहा है। अपने कैलकुलेशन से अपने को एमपी पता लगता है, अपने कैलकुलेशन से अपने को एमपी पता लगता है, ये भाई हमको एफसी निकालने बोल रहा है। और कुछ तो इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, अगले पेज में ये भी देख लेते हैं। इतना ही क्वेश्चन है ना इसका? हाँ इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन मैंने भेज दिया ग्रुप में। खुशी पूरी बुक भेज दी है, चेक करो ग्रुप में, पूरी बुक भेज दी है मैंने तो ग्रुप में। जीवीएमपी कैसा निकलेगा? तो भाई देख लो, ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का यही कर दिया करो। तुम्हारा ये चेन इन स्टॉक कितना है? 10 का आ रहा है यहाँ पे। ये कितना है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस 10 हो रहा है, देख लेना भाई, कंफ्यूज मत होना। क्लोजिंग 20 है, ओपनिंग 30 है, 20 माइनस 30 माइनस 10 हो रहा है। ये कंट्रोलिंग के नोट्स में आज भेज दूंगा, याद से भेज दूंगा, याद से भेज दूंगा। सेल्स 500 की प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस 10 का, और क्या है उसके अलावा यहाँ पे अपने लिए काम का, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दे दिया है और परचेज ऑफ मशीनरी दे दिया है। तो परचेज ऑफ मशीनरी जो होता है ना बेटा, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के काम नहीं आता। मशीन खरीदते हो तो एक फाइनल गुड्स है, मशीन इन्वेस्टमेंट के काम आती है, तो इसको कभी मत लेना भूल के भी। मशीन जब खरीदते हैं तो आदमी इन्वेस्टमेंट के नाम से खरीदता है, तो ये आपकी परचेज में नहीं जुड़ता कभी भी। तो कितने की आपने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की परचेज करी है? 300 की। तो आपका यहाँ पे जीवी या एमपी अगर आप देखेंगे तो ये आपका आ रहा है कितना? 500 माइनस 10 माइनस 300, तो ये कितना होगा आपका? 190। कितना होगा यार? 190। जीवी ए एमपी 190 आया। मैं सही कैलकुलेशन किया हूं कि गलत किया हूं ये बताओ। जीवी ए 190 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बता दो। 500 माइनस 10 माइनस 300, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी ना? 190 ही आ रहा है ना? हाँ यार 190 ही आ रहा है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें चाहिए जीवी एफसी। तो एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करते हैं? एमपी से एफसी में जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं, एनआईटी माइनस कर देते हैं। एनआईटी कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं दिया है तो जीरो। माइनस सब्सिडी कितनी दी है? 40। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 40। भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 40 की, तो माइनस 40 हो जाएगा। तो 190 माइनस माइनस प्लस जीवीएफसी 230 आएगा तुम्हारा। सर क्या करे, कुछ नहीं पल्ले पड़ा भाई। एमपी से एफसी में जाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होता है, तुम्हारा यहाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस 40 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 190 प्लस 40 230, ये जीवी एफ सी आ। अब तुम बताओ तुम्हारा आया कि नहीं आया, तुमको समझ आया कि नहीं आया? हाँ यार तुमको समझ आया कि नहीं आया? चेक कर देते हैं, देखो 230, 230, 230 आ गया। सभी लोग ना बढ़िया क्लास अटेंड करो, पूरे अपन ना बोर्ड के हिसाब से सारे क्वेश्चन बना डाल रहे हैं। 80-90 क्वेश्चन पूरे बना डालेंगे अभी 3-4 दिन में। नेशनल इनकम को एक अच्छा क्लोजर देंगे और फिर हम लोग एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पे चलेंगे। तुम लोग का अपना एक प्लान बता दे रहा हूं मैं कि तुम्हारी तैयारी का क्या प्लान है। सभी अभी क्लास लीव मत करना, समझ लो। देखो फंडा सिंपल है, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो यूनिट आ रहा था, एक था नेशनल इनकम जो हमारा अब खत्म होने पे आ गया है, और दूसरा है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो नेशनल इनकम पे ही डिपेंडेंट है, जिसको नेशनल इनकम के तीनों मेथड आते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, वही इसको अच्छे से कर पाए। तो अपना प्लान ये है कि अपन 20 फरवरी तक इसको खत्म कर देंगे। ये 20 फरवरी तक अपना खत्म हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर अपन पकड़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जिसमें चिल्लर चिल्लर से 3 चैप्टर पढ़ने। ये अपना होगा 28 को खत्म। इन बिटवीन, ध्यान से समझना मेरी बात को, इन बिटवीन मैं अभी संडे को भी क्लास लूंगा, संडे को भी क्लास लूंगा,
और मैं आपको बीएसटी का एक एक चैप्टर इस बीच कराते जा रहा हूँ। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो जो है ना बेटा, एक सिंगल क्लास का है, एक ही क्लास का है, ठीक है। तो मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूं कि आप लोग का मैं अप टू 5 मार्च, अप टू 5 मार्च मैं आपका 12th का सिलेबस खत्म करा दूंगा। 12th का सिलेबस मैं 5 मार्च तक आपका कंप्लीट करा दूंगा। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप लोग क्लास बराबर चालू रहो, आते रहो क्लास में, इसी लिंक से आप डेली ज्वाइन करना। ये अपन टारगेट पे चल रहे हैं, अभी 20 फरवरी तक आंख बंद करके अपने को सिर्फ मैक्रो करना है। इसके सारे क्वेश्चन बनाएंगे, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा, तब अगले 8 दिन जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। इस बीच संडे संडे को अपन बिजनेस स्टडीज पढ़ना। बन जाएगा आप लोग से, हाँ या ना? बस इसी पैटर्न में पढ़ाई करते हैं। जो नोट्स मैं अभी नहीं भेज पाया हूँ मेरे को मैसेज कर दो, मैं भेज देता हूँ तुमको। इसकी तो मैंने पूरी बुक भेज दी, और तुम लोग को बोला हूँ संदीप गर्ग को पूरी बना डालो, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैंने तो भेज भी दिया है ग्रुप में बुक को आपके, ठीक है। तो कल मिलते हैं अपन 1:30 बजे, इसी लिंक पे मिलेंगे बेटा, ये मेरे ही लिंक पे मिलेंगे, इसी पे पढ़ें, ठीक है। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं।